और इतनी जल्दी हाथ ऊपर करके थक गए क्या? कितने लोग थक गए, जरा हाथ नीचे कर ले। जो लोग थक गए, हाँ क्या बात। बोले सियावर रामचंद्र की, सुमिर पवन सुत, पवन सुत, पवन सुत, सुमिर पवन सुत, पावन नामो, अपने बस कर शांति रहेंगे और हम और आप बोलेंगे, क्योंकि भजन करने और देखने नहीं आए हैं, हम सत्संग करने आए हैं। तो सभी हमारे साथ बोलेंगे क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और यही दोनों हाथ ऊपर हो जाएं, क्या बात है। हरि ने जिनको दो हाथ दिए वही दोनों हाथ ऊपर करना, क्या बात। पाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो पहुंचाना है, वही हाथ ऊपर करके हाथ जोड़ ले। जिसको अपनी राम राम पहुंचाना है वही हाथ ऊपर करना, ये क्या बात। हमारे राम जी से, हमारे राम जी से, राम 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 कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से, राम 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 कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान।
परमेश्वर सरकार की जय हो, पिताम राम आई की जय, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत सुंदर ये प्रथम पुष्प प्रथम गीत, पता चल गया कि अब जब झूमने वालों का भक्तिमय नाचने वालों का क्रम निश्चित ही एक नई ऊर्जा का संचार करता है, नया समझ में नहीं आता। पापा ने कहा गर्मी खून में होती है और मम्मी ने कह दिया गर्मी ऊन में होती है। समझ में नहीं आता, आज सचमुच में गर्मी देखने को मिल रही है। पापा ने कहा गर्मी खून में होती है, मम्मी ने कहा गर्मी ऊन में होती है, बच्चा यहां कंफ्यूजन में है क्योंकि मैडम ने कहा कि गर्मी जून में होती है। आप तालियां बजाइए, आप बच्चा यहां कंफ्यूजन में है। पापा ने कहा गर्मी खून में होती है, मम्मी ने कहा गर्मी ऊन में होती है, मैडम ने कहा कि गर्मी जून में होती है, पर गौरी शंकर तिवारी कहते हैं कि गर्मी भक्ति के जुनून में होती है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके सम्मान में। पावन धरती माँ पीतांबरा की सत सत नमन करते हुए पुनः एक अनुरोध आदरणीय ऋचा पुरोहित जी से के एक और सुंदर गीत से, सुंदर भजन से हम सभी को आनंदित करें। एक बार पुनः आप सभी के तालियां ऋचा जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपने प्रभु श्री राम के चरणों में भक्त बैठे हुए हैं दर्शन पाने के लिए। हो गणपति जी गणेश नो मनिए, सारे काम रास होवेंगे। ओ गणपति जी गणेश नो मनिए, सारे काम रास होवेंगे। ओ गणपति जी गणेश नो मनिए, सारे काम रास होवेंगे। पहले लड्डू का भोग लगिए, सारे काम रास होवेंगे। ओ गणपति जी गणेश नो मनिए, सारे काम रास होवेंगे। मीठी मीठी ताली के साथ एक
अच्छा एक बात बताइए, आज हम यहाँ मंच पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे दूर हैं। वो तो थोड़ा सा व्यवस्था की बात हो जाती है, वरना हम आपके बीच में ही आकर के हम सब लोग मिलकर के गाते। चमका मारे सोहना वेश, चमका मारे सोहना वेश, घुंघराले हैं काले केश, घुंघराले हैं काले केश, सारे काम गजमुखी कर गईये, गजमुख दीजे गुण सारे गईये, सारे काम रास होवेंगे गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे काम रास होवेंगे वो गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे काम रास होवेंगे पहले लड्डू का भोग लगाइए, सारे काम रास होवेंगे वो गणपति गणपति जी गणेश मनाइए, जय जय सारे काम रास होवे, बोले गजानन भगवान की जय हो, बोले भोलेनाथ की जय हो। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, और आप इतना सुंदर कार्यक्रम को सजा रहे हैं, इतनी सहभागिता निभा रहे हैं, एक एक भक्त पर नजर जा रही है, बहुत ही हृदय आनंद से भर जाता है, हम पे हो गई है कृपा विशेष। आइए हम सभी, हमारे कपिल जी संकेत कर रहे थे आपको और बार बार कह भी रहे थे कि इतनी प्रीति मत बढ़ाओ माताओं बहनों सोने से, आभूषण पहन के आई है विशेष सावधानी रखिएगा, या पहन के ना आना था। लीजिए, इतनी प्रीति मत बढ़ाओ माताओं बहनों सोने से, क्योंकि बहुत कष्ट होता है उसके खोने से, इतनी प्रीति मत बढ़ाओ माताओं बहनों सोने से, क्योंकि बहुत कष्ट होता है उसके सोने से, और रोना है तो यहीं पर रो लेना, क्या फायदा है जमाने भर में रोने से। यहाँ इसलिए कि ये भोले बाबा का दरबार है, यहाँ हर हर समस्या का हल है, इससे बड़ा कोई दरबार नहीं है। कौन है जो तेरी रहमत का तलबगार नहीं, भोले बाबा तेरे कर्म का कोई शुमार नहीं, हाथ फैलाए कहाँ कौन सी चौखट देखे, तेरे दरबार से बढ़कर कोई दरबार नहीं। एक बार जोरदार जयकारा, माँ पीताम्बरा माई की जय हो। ऐसे दिव्य भजनों से आप आनंदित होते रहिएगा, और समय परिधि का ये कार्यक्रम है, निश्चित ही आप सबको आनंदित विभोर, आनंद विभोर करने के लिए हम सभी लोग संकल्प लेते हैं, और जैसे ही हमें संकेत मिलेगा वैसे ही कार्यक्रम ये विराम होगा। इस समय आप बिल्कुल आनंद से भर गए हैं और आनंद लेते चलिए। पुनः एक गीत के लिए मैं आपके बीच में ला रहा हूँ, श्रीमती ऋचा पुरोहित जी, वास्तु म्यूजिकल ग्रुप दतिया, आपके सामने। श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए राम, राम के नाम में कंजूसी मत करना, राम के नाम में कंजूसी कितने लोग करेंगे, जरा हाथ ऊपर करो, कंजूसी
इसलिए कहते हैं कि जोश में होश मत खो। जैसा कि हमारे तिवारी जी ने कहा था कि गर्मी भक्तों की भक्ति में होती है, तो उसी गरिमा के साथ में हम और आप जुड़े हैं प्रभु श्री राम के जरिए। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार फिर से बड़े प्रेम के साथ बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए बागेश्वर सरकार की जय हो, बोल पीताम्बरा माई की जय हो। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा बड़े भोले भाले हैं, चाहे कोई जल चढ़ाए चाहे बेलपत्र चढ़ाए या ना चढ़ाए, जरूरी नहीं लेकिन उनके मंदिर की चौखट तक जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। हम भोलेनाथ की निगाह में आ जाते हैं, हमारी प्रेजेंट लग जाती है। इसलिए डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। कौन कौन बुलाना चाहता है हाथ ऊपर करो, जो भोलेनाथ को बुलाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हमने पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर दिया और भोले बाबा आ गए, मन से भी तो उनको बुलाओ। तो दोनों हाथ ऊपर करके कहना है क्या, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम बजा सकते हैं कि डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू Thank you.
भोलेनाथ से सभी लोग कहेंगे क्या, नैया को पार डम 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 रू बजा। जोर से ही बोलो कि डम 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 रो बजा। अभी तक जो नहीं नाचे सो न जाना होगा, आपको भी तालियां बजाना होगा। बहुत खुश, बहुत सुंदर, कितनी सार्थक रचना, कितना भक्तिमय भाव श्रीमती ऋचा पुरोहित जी के द्वारा हम स्मरण कर रहे थे। और साथ ही आप सबसे ये चाहेंगे भी कि हम आदरणीय ऋचा जी खुद कहा करती है कि हमको नचाना नहीं झूठे संसार में, हे भोले बाबा हमको नचाना नहीं झूठे संसार में, हमको नचा लो भोला अपने दरबार में। और देखे आप जो नहीं नाच पाते हैं उनका साइड इफेक्ट भी होता है, कक्का जू नहीं नाचे सो डरे हैं बुखार में। क्या बात है। अब एक भाव समाज में देखते हैं, हमारी गौ माता बहुत ही पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन जहां देखते हैं कि उनके उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खूब कोशिश करते हैं लेकिन बेचारी गलियों में मारी मारी फिर रही हैं, तो अब ऐसी कोई देखने को व्यवस्था नहीं मिलती है। पर देखा है वो समय हमने कि गैया वृंदावन सी नैया,
कुत्ता तो खा रे दूध जलेबी, कुत्ता तो खा रे दूध जलेबी, और कागज खा रही गैया, अब गैया भी वृंदावन से नैया। समाज में भी हम देखें कि अब बा मर्यादा रही नैया, अब बा मर्यादा रही नैया। कैसे बउए तो सो रही डबल बेड पे, बउए तो सो रही डबल बेड पे, और नेचे डरी डुकैया, अब बा मर्यादा रही नैया। वास्तव में हम माता पिता गुरु और सबका आदर करते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए इस भारत वर्ष में जी रहे हैं, वही आपसे पेश कर सकता हूं कि ऐसे चहकों की नजारों को होश आ जाए, ऐसे महकों की बहारों को होश आ जाए, और ऐसे चमकों की सितारों को होश आ जाए, और ऐसी बजा दो ताली के इन कलाकारों को जोश आ जाए। एक बार दोनों तालियां दीजिए। आपके सामने जीचा पुरोहित जी अगली भजन प्रस्तुति लेकर आपके सामने आ रही हैं, और आप सभी लोग आनंद के साथ, तालियों के साथ और बड़े भाव के साथ नृत्य करते हुए कार्यक्रम श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा इस ऐतिहासिक धरा में, इस भव्य मंच पर प्रस्तुति देने का जो सौभाग्य मिला है, हम सभी कृतार्थ हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कितने भक्त बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, हाथ ऊपर करें। और बागेश्वर सरकार यहीं आ गए और वो आपको बुला ले, कितने लोग चाहते हैं।